यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। संघर्ष यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को गढ़वा जिले की कांडी प्रखंड में पहुंचे, जहां आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा ने सरकार की मनमानी से प्रदेशवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। किसानों को बिजली और पानी नसीब नहीं हो रहा है, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कहा, शौचालय निर्माण में बिचौलिए पूरी तरह से हावी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी पर भी तीखा प्रहार किया। कहा, स्वास्थ्य मंत्री खुद का नर्सिंग स्कूल और अस्पताल बनाने में ही मशगूल हैं। ऐसे में राज्य का भला नहीं होने वाला। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र कुमार पांडे और पिंकू पांडे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की, जहां श्री पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र विकास से अब तक कोसों दूर है। कहा, आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएगा और फिर क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहेगी। इससे पूर्व पार्टी समर्थकों ने भव्य मोटरसाइकिल जुलूस के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं जनसभा के उपरांत पारा शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री सोरेन से मिला और मांगों से संबंधित उन्हें ज्ञापन सौंपा।